अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मी काशिफ रज़ा एंड यू आर वाचिंग पाक एजुकेशन हब। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जनरल नॉलेज के लिहाज से है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कैपिटल करेंसीज। तो कैपिटल करेंसीज सबसे पहले हम जो हैं स्टार्ट करेंगे वो है एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ से। तो हम वहाँ से जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैपिटल करेंसीज हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सी कंट्रीज हैं और बहुत से कैपिटल करेंसीज हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो आते ही रहते हैं इसमें एमसीक्यू टेस्ट में, ठीक है ना। तो हम वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एशियन कंट्रीज जो हैं वो लिखते हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान, ठीक है ना, इसका जो कैपिटल है वो है काबुल और करेंसी जो इसकी है अफगानी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आर्मेनिया, आर्मेनिया और इसकी जो है कैपिटल वो है यरेवन, ठीक है ना, और इसके जो करेंसी है वो है ड्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अजरबैजान, अजरबैजान बाकू जो है कैपिटल इसका, और मन्नत जो है इसकी करेंसी, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास आता है बहरेन, बहरेन का जो है कैपिटल वो है मनामा और उसकी करेंसी जो है वो दीनार, और हमारे पास बांग्लादेश, बांग्लादेश को जो है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अच्छा जी, बांग्लादेश ढाका एंड इसकी जो करेंसी है, सॉरी ये टक्का, ठीक है ना, इसकी जो करेंसी है वो टक्का है। और सिटी ऑफ मॉस्क भी कहते हैं, वो किसको कहते हैं, इसको जो है ढाका को कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो जब फॉर्म हुई थी, जब बनी थी, वो भी यहाँ पे बनी थी, ठीक है ना, ढाका में 1906 में। वो सब चीज़ें जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो है कंट्री कैपिटल करेंसीज का जो सेशन चल रहा है तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है भूटान, भूटान का जो है थिम्पू एंड नेगलट्रम इसकी करेंसी है। अच्छा जी, इसके बाद है ब्रुनेई, ब्रुनेई इसकी जो कैपिटल, इसका जो कैपिटल है बंदर सेरी बगावान, ठीक है ना, और इसकी जो है करेंसी है वो डॉलर, डॉलर, ठीक है ना। ब्रुनेई डॉलर है इसकी करेंसी, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद है कंबोडिया, कंबोडिया फिनमपेन इसका जो है कैपिटल है फिनमपेन, ठीक है ना, और इसकी जो है करेंसी वो है राइल, ठीक है ना, राइल अलग है और रियाल जो है वो अलग है, ठीक है ना, ये याद करना। और इसके अलावा दूसरी भी है जो के रियल है, ठीक है ना, वो भी एक करेंसी है, ठीक है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इसमें जो वो स्पेलिंग वगैरह का जो है ना मिस्टेक होता है, तो बात से बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं क्या भूल जाते हैं, फिर कहीं पे रियाल की जगह रायल कर देते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें समझने की है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद चाइना,
बीजिंग, ठीक है, युआन। अब यहाँ पे भी आप देख लेना, अब ये युआन है और जापान की जो करेंसी है वो है येन। तो इसमें भी बहुत से लोग जो है ना गलती करते हैं, ठीक है ना, वो येन की जगह पे युआन कर देते हैं, युआन की जगह पे येन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझने की हैं। जॉर्जिया, ट्बिलिसी, और जो है इसकी करेंसी जो है वो है लारी। इसके अलावा इंडिया, इंडिया न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, और इसकी करेंसी भी रुपी है। अच्छा जी, अब रुपी आ गई तो यहाँ पे भी आपको बताते चलें कि रुपी, रुपया और रुपया में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। जैसा कि इंडोनेशिया है, उसकी जो करेंसी है वो रुपया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जहन में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है जब ऑप्शन में लेट सपोज के वो कह दे कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, और रुपी भी कर दे, रुपया भी कर दे और रुपया भी कर दे, तो इसमें से जो है ना आपको चूज़ करने में जो है ना दिक्कत होगी। तो इसी वजह से जो ये जो चीज़ें हैं ना ये क्लियर कर लें पहले से ही, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपया। अब यहाँ पे देख लेना, ये देखें रुपी और रुपया, और इसके अलावा जो मालदीव है उसके जो है करेंसी वो रुपया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसराइल है। अब जो इसराइल की जो ये कैपिटल जो इसराइल का है वो जेरूशलम भी है, ठीक है, और तेल अवीव भी है, ठीक है ना। ये दोनों आ सकते हैं जो भी है, ठीक है ना। तो फिर आपको ये याद होनी चाहिए। और इसकी जो करेंसी है न्यू शेकेल, इसकी जो है करेंसी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जापान, जापान है टोक्यो, येन। अभी हमने जो आपको बताया था ना कि चाइना और जापान की जो करेंसी है वो डिफरेंट है, लेकिन जो है स्पेलिंग और मतलब कि आप कह लें कि बोलने में जो है एक जैसे हैं, ठीक है ना। येन और युआन दोनों एक ही जैसे होते हैं, तो इस वजह से आप जो है ना इनका ख्याल रखिएगा। ये याद करने की चीज़ें जो फिर वहाँ पे ना मिसस्पेलिंग की वजह से बहुत से लोग जो है ना गलत कर